आइए, आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं आपसे असफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। असफलता का डर यह सबसे बड़ा डर है। मतलब मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे सफलता नहीं मिलेगी, मुझे यश नहीं आएगा, यह डर बहुत लोगों को रहता है। एक्चुअली दो तरह के डर होते हैं। एक डर होता है जिसको बोलते हैं कि जो सच्चा डर है, और दूसरा है जो झूठा डर है। अब सच्चा डर कौन सा है? सच्चा डर मतलब ऑथेंटिक है, वो सचमुच है। वो फियर वैसा है कि समझो कोई मेरे आंग पे आ रहा है और चक्कू लेके कोई मेरे आंग पे आ गया मारने के लिए, और मुझे डर लग रहा है, तो वह स्वाभाविक है कि मैं डर रहा हूं, सच्चा है। या मैं कार से जा रहा हूं और सामने से कार आ रही है एकदम हेड टू हेड, अभी ठोक देने वाली है, और मुझे डर लग रहा है, सच्चा डर है। मगर ऐसे बहुत सारे डर है कि जो अभी कुछ हो नहीं रहा है मगर वो हो जाएगा फ्यूचर में, वो लोगों को लगता है, वो विचार आता है और उससे डर लगता है। जैसे मैं फेल हो जाऊंगा, एग्जाम में पास नहीं होऊंगा, फेल होऊंगा, या मुझे धंधे में कामयाबी नहीं मिलेगी, असफलता मिलेगी, मुझे नुकसान हो जाएगा, मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, और वो फ्यूचर में कुछ तो भी हो जाएगा ऐसा उनको लगता है। अच्छा, ये सच्ची है क्या? वैसा बोलो सच्ची है। क्यों? मतलब सच्ची कहता है कि उनको लगता है कि वो सच्चे होने वाला है, इसलिए वो सच्ची है। एक्चुअली हुआ कि नहीं हुआ? वो डर से उनको छाती में धड़कन, घबराहट, बेचैनी, पसीना आना, डर लगना, ऐसा उनको लगता है डर कि बाप रे क्या होगा, क्योंकि उनके लिए वो सच्ची है। एक्चुअली सच्ची है क्या? नहीं है, वो तो हुआ ही नहीं है, वो तो काल्पनिक है, तो कभी तभी होगा, एक दिन होगा, ऐसा उनको लगता है। अब भी नहीं हो रहा है, प्रेजेंट में नहीं हो रहा है, पर तभी भी वो आदमी डरावना रहता है। कभी कभी कुछ लोग तो हार्ट अटैक का इतना उनको डर लगता है कि अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, उनको लगता है कि आ जाएंगे हार्ट अटैक, और वो भागम भागी करते इधर उधर जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, एक्सरे निकालेंगे, ECG निकालेंगे, देख लेंगे कुछ है क्या सचमुच, कुछ भी नहीं है, फिर बोलते हैं हाँ ठीक है, फिर उनको डर लगता है कि अटैक आ जाएगा। तो किनको असफलता का डर है, पैसे खोने का डर है, रिश्ते खोने का डर है, कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड जो है मेरे से टूट जाएंगी उसका डर है, या बॉयफ्रेंड टूट जाएगा, या एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, या मेरा मैरिज सक्सेस नहीं होगा, या मेरे को बहुत लॉस आ जाएगा, ये मेरा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, ऐसा उनको सबको लगते रहता है। तो ये फिर आता कहाँ से? ये आता इसलिए कि एक तो आपने कहीं तो भी सुना होगा कि इस तरह का प्रॉब्लम, इस तरह का ब्रेकडाउन किसको तो भी आया हुआ है, ऐसा सुना होगा, और वो सुन के आपके दिमाग में ये बैठा होगा, आपके मेमोरी बैग में ये बैठा होगा, एक तो किसको तो भी सुन के, या आपको ऐसा कुछ तो भी पास्ट में हुआ होगा, और वो पास्ट में हुआ है वो आपके मेमोरी बैग में, वो पास्ट एक्सपीरियंस है, और वो भी बार बार याद आता है। आप क्या करते हो कि जो पास्ट में बैठा हुआ है, पास्ट में कभी हुआ है, वो आप उसको उठा के फ्यूचर में लाते हो, सामने लाते हो, और आपको लगता है कि वैसा का वैसा ही रिपीट हो जाएगा, और वैसा हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँ, कैसा हूँ, क्या हूँ, ऐसा डर लगता है। वो टोटली झूठा डर है, टोटली इनऑथेंटिक है, सच्ची नहीं है, वो आपको लग रहा है और किसी को नहीं लग रहा है, तो इनऑथेंटिक है, सच्ची नहीं है, झूठा डर है, मगर वो व्यक्ति के लिए, आपके लिए वो सचमुच हो जाता है। इतना हो जाता है कि लोग वो डर के मारे कोई नया काम लेते भी नहीं है, उनको कोई नया काम करने की इच्छा होती नहीं, अटेम्प्ट करते नहीं है वो, क्योंकि उनको लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, फिर ये सीधी नहीं बात करेंगे कि मैं फेल हो जाऊंगा इसलिए मैं करता नहीं हूं, लोग कोई बहाने बनाएंगे, या बीमार पड़ जाएंगे, या और कोई तो भी कारण बताएंगे वातावरण का, और वो काम करने नहीं, अभी तो पोषक वातावरण नहीं है, अभी तो कोरोना चल रहा है, फिर तो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, फिर तो मेरी कमर दुख रही है, फिर तो अभी बैंक से लोन नहीं आ रहा है, मिल रहा है, ऐसे कुछ भी बातें बहाने बनाएंगे, ताकि ये उनको बोलना ना पड़े कि मैं डर रहा हूँ, क्योंकि वो मैं डर रहा हूँ ये बोलना अच्छा लगता नहीं है, उनको लगता है कि मैं फेल हो जाऊँगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो जाऊँगा तो लोगों के मन में से उतर जाऊँगा, लोगों की दृष्टि से निकल जाऊँगा, फिर आगे चल के लोग मेरे ऊपर विश्वास रखेंगे नहीं, तो इससे अच्छा है कि मैंने कुछ करना ही नहीं चाहिए। जो बंद मुट्ठी वो 1,25,000 है, बंद मुट्ठी 1,25,000 की, ऐसा बोलते हैं, फिर बोलना ही नहीं, एक्सपोज ही करना नहीं, करना ही नहीं, फिर कोई बोलेगा नहीं कि आप असफल हो गए, आप हार गए, ऐसा बोलेंगे नहीं, तो इतना बड़ा डर है वो कि डर के मारे लोग कुछ करना पसंद नहीं करते। लोग, लड़का लड़की है, एक लड़का दूसरे लड़की को, मतलब जिसके साथ में उसका प्यार है, फ्रेंडशिप है, गर्लफ्रेंड है उसकी, वो उसको डर के मारे प्रपोज भी नहीं करता, उसको डर लगता है कि वो ना बोलेंगी, और वो ना बोलेंगी तो वो अच्छा दिखेगा नहीं। लोग इसको पैसे पूछते नहीं है दिए हुए, क्योंकि समझो उसको पैसे पूछे और उसने ना बोल दिया तो फिर वो डर के मारे लोग पैसे पूछेंगे नहीं, क्योंकि वो अच्छा दिखता नहीं, इतना डरावना उनके लिए है कि वो ना बोलेगा, इसलिए लोग प्रपोज नहीं करते,
कोई एक्शन लेंगे नहीं, कुछ किसको पूछेंगे नहीं, किसका सपोर्ट मांगेंगे नहीं, किसकी सहायता करेंगे नहीं, कोई नया प्रोजेक्ट चालू करेंगे नहीं, किसको कोई रिक्वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि उनको इतना बड़ा डर है कि लोग ना बोलेंगे मैं फेल हो जाऊंगा और वो अच्छा दिखेगा नहीं। आपको क्या करना है फिर इसमें? आपको ये करना है कि भाई उसको एक्नॉलेज करना है, उसको देखना है कि देखो जो भी हुआ वो पास्ट में हुआ, अभी हो रहा है क्या? नहीं। फ्यूचर होने वाला है क्या? मालूम नहीं, क्योंकि फ्यूचर कहाँ है? फ्यूचर तो है नहीं, फ्यूचर कहाँ है? फ्यूचर तो अभी हुआ ही नहीं है। अभी जो है वो अभी का क्षण है जो मेरे हाथ में है, मेमोरी बैग मेरी जो है दिमाग में, वहां से मेरे को बार 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 विचार है मैं असफल हो जाऊंगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, फेल हो जाऊंगा, वो डर लग रहा है। चलिए तो वैसा अभी हो नहीं रहा है, वो तो पास से आ रहा है। और समझो फेल हो गए तो क्या क्या फर्क पड़ने वाला है? समझो फेल हो गए तो कौन सा आसमान टूट रहा है, कौन से आपके हाथ में कटोरा आने वाला है, कौन सा ऐसा क्या होगा कि वैसे आप मर जाने वाले हैं? कुछ भी तो होगा नहीं। फेल हो गए इसका मतलब फेल हो गए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? फेल हो गए तो फेल हो गया ना, इतना क्यों डरने का उसको कि फेल हो जाऊं? तो जब जब आप ऐसा डर आपको लगता है, आपको लगता है कि वो डर के मारे मैं कुछ एक्शन नहीं ले रहा हूं, एक्नॉलेज करो। एक्नॉलेज ये करो कि ये पास में से आ रहा है, मैं उसको फ्यूचर में रख रहा हूं, वो अभी मेरे को पास में डालने का है। वापस वो कब हुआ? पास्ट में हुआ। आज हो रहा क्या? नहीं है। उसका कुछ संबंध आ जाए क्या? बिल्कुल नहीं है। ये आप करेंगे तो आपको फ्रीडम मिलेगा और आप कुछ भी नया काम चालू करेंगे बिना डर का। थैंक यू वेरी मच।